देखी, इंसानी हकूक की बेतौकीरी देखी, पार्लियामेंट की बेतौकीरी देखी और पुलिस वालों के हाथों सिर्फ शहरियों की नहीं अदालतों की भी बेतौकीरी देखी, उस पे पूरा पाकिस्तान इमरान खान के इस मौकफ की सच्चाई के पीछे खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैं सबसे पहले अपनी जो लीगल टीम है मेरी, उस पर अली बुखारी और फैसल और दूसरे जो दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और इस्लामाबाद चैप्टर पीटीआई का अली अवान और दूसरे जो लोग हमारे सेनेटर डॉक्टर वसीम साहब और जितने भी दूसरे सेनेटर तशरीफ लाए हैं वो, और ख़ास तौर पे मुझे एक बड़ी मशहूर कॉल मुझे आती है, जहाँ मेरे साथ खड़े हैं वो कहते हैं कि कोई अच्छी खबर आज सुना दे, तो फवाद के लिए उन्होंने इतनी दफ़ा मुझे कॉल किया सर साहब ने कि कोई अच्छी खबर सुना दे, वो उनका जो अपने बहसीत सेक्रेटरी जनरल अपने पीटीआई के साथ और वर्कर्स का कमिटमेंट है वो उसका सबूत था। मैं सिर्फ तीन बातें शॉर्टली करना चाहता हूँ। सबसे पहला ये है कि पाकिस्तान को यहाँ से दो रास्तों में से एक का इंतखाब करना है। एक रास्ता तबाही और खाई का रास्ता है, दूसरा रास्ता बहाली का रास्ता है। पहला रास्ता वो है जो इस हुकूमत ने और उसके सरपरस्तों ने चुन रखा है, दूसरा रास्ता वो है जिसकी तरफ पुकार पुकार के और चीख चीख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गोलियां खाने के बाद भी इमरान खान ने वो रास्ता खोटा नहीं किया, उस पर वो कायम है, वो रास्ता है नए इंतखाबात का रास्ता। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इतना बड़ा कंसेंसस पहले कभी बिल्ड नहीं हुआ कि फौरी तौर पर नए इंतखाबात होने चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपके लिए वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नया अज़्म मिलता है, नया हौसला मिलता है जब उसको नया चैलेंज मिलता है, इसलिए कि जिंदा कौमों की जो लीडरशिप होती है वो चैलेंजेस के ज़रिए से कौम को दुरुस्त रास्ते पे लगाती है, और हमारा जो खिलाड़ी है वो कप्तान भी है, इसलिए वो चैलेंजेस मिलते रहेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है किसी चैलेंज की। एक मैं आपको बता सकता हूँ बात, जो वो मैं पूरे आपको खुलूस दिल से बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इंशाअल्लाह इस जालिम निज़ाम से आपकी जान छूटने वाली है और इमरान खान वापस आने वाला है, इंशाअल्लाह वापस आने वाला है। आखिरी बात यह है, इससे पहले कि मैं असद साहब से कहूँ कि वो बात करें, आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन उस इज्जत और एहतराम के काबिल है जो हमें जज्बा देता है कि हम खड़े भी रहते हैं, लड़ते भी हैं, आगे भी बढ़ते हैं। हमें पता है कि हमारे साथ पाकिस्तान की 65% यूथ खड़ी है और वो यूथ पाकिस्तान का असल मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ भेज सकेगा। तुम्हारे साथ इमरान खान पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बाबर वान साहब, आपको, आपकी जो बाकी मामलत कर रहे थे, फैसल, अली बुखारी वाला, पूरी लीगल टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बड़ी आपने दलील के साथ मुकदमा लड़ा, लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि आपका रास्ता इस हद तक आसान ज़रूर था क्योंकि आप सच्चाई की पैरवी कर रहे थे। फवाद चौधरी के ऊपर जो मुकदमा कायम हुआ हुआ है वो मुकदमा सिर्फ इस बात का है कि वो सच क्यों बोलता है, और सच भी ऐसे बोलता है कि इन इम्पोर्टेड की ठीक ठाक मंजी ठोक के बोलता है, यही सारा उसके ऊपर मुकदमा था। लेकिन इनके लिए बुरी खबर यह है कि आप अगर समझ रहे थे कि आप फवाद चौधरी की आवाज बंद करा दोगे, इंशाल्लाह ताला फवाद चौधरी बाहर आ रहा है और आपके साथ जो वो पहले करता था वो उससे बुरा करने वाला है, उसके बाद उससे भी गूंजदार होने वाली है। ये बेशुमार ये जो वक्त है जिसका पहले जिक्र किया बाबर अवान साहब ने भी, पाकिस्तान का आईन इस वक्त खतरे में है, इस पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हर मौका तलाश किया जा रहा है, पहले कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई और कानून के धजियां उड़ाकर ऐसा रवैया इख्तियार किया गया, इस तरीके से जबर जबरदस्ती जोर से लोगों को आवाज दबाने की कोशिश की, उनको उठाया गया, तशद्दुद किया गया, बंद किया गया, और अब बराह रास्त आईन को चैलेंज किया जा रहा है।
जिस तरीके से आईन के अंदर वाज़े तरीन चीज लिखी हुई है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, असेंबली तहलील होने के बाद उससे भी भागने की कोशिश की जा रही है। कभी को गवर्नर साहब कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट मुझे बताएगी, एजेंसियां बताएगी, अब ये पता नहीं कि ये गवर्नर साहब जो है वो ये सच बोल रहे हैं या गवर्नर साहब जो है वो इल्जाम लगा के गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं इदारों को। ये तो इदारे ही हमें बताएंगे कि इसमें से गवर्नर सच बोल रहा है या गवर्नर उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन वजह जो कुछ भी हो, ये आईन से इनहराफ की बात की जा रही है। और मुझे बड़ी खुशी है, मेरी पटिशन जो लाहौर हाई कोर्ट में परसों जिसकी समाअत हुई थी और जुमे को दोबारा वो लगा हुआ है केस, जिसके अंदर दो टोक अल्फाज में ऑर्डर के अंदर लिख दिया गया है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही कराना है, उसके अंदर बिल्कुल वाज़े तरीके से ना सिर्फ कोर्ट ने यह हिदायत दी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि अगर ये आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की जाएगी तो ये आईन से इनहराफ होगा और जिनकी जिम्मेदारी है आईन के ऊपर अमल करने की आर्टिकल 5 के तहत, उनके ऊपर मुकदमा कायम बनता है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले कहा गया है, कामयाबी जीत पाकिस्तान की आईन की, पाकिस्तान की जमहूरियत की, पाकिस्तान की अवाम की होने वाली है। ये जितनी मर्जी रोक लें ये अब रास्ता रोक नहीं सकते। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, अवाम के पास फैसला जा रहा है। इमरान तेरे है इशारा। देखिए ये सारा जो हो रहा है, परवेज जलाई के घर छापे डाले जा रहे हैं, तो पर शेख रशीद के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, ये सब एक ही कड़ी है। ये सारी कोशिश है कि किसी तरीके से वो लोग जो अवाम के साथ खड़े हुए हैं, जो जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं, उनको डरा के धमका के जबर से उनकी आवाजें बंद कराई जा सके, ये इंशाल्लाह ताला इसमें कामयाब नहीं होंगे।